देखेंगे कि नॉन मैटर्स की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पर, जिनके आधार पर हम मैटर्स से नॉन मैटर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या उनको अलग कर सकते हैं कि फला चीज नॉन मैटर है और ये मैटर है। इस तरीके से हम उनको किस गुणों के आधार पर, किन किन गुणों के आधार पर हम उनको अलग कर सकते हैं, इस चीज़ का आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा आप नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे आसपास के जितने भी जो पदार्थ हैं वो सभी जो मैटर हैं दो क्वालिटीज में हम उनको विभाजित कर सकते हैं, एक तो मैटर्स और नॉन मैटर्स। जितने भी हमारे आसपास के सारे ऑब्जेक्ट जो हमको दिखते हैं, जो भी हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे बर्तन हैं, औजार हैं, मशीनरी हैं, हमारे मोबाइल फोन्स हैं, कुछ गैजेट्स हैं, उन सभी में मैटर्स और नॉन मैटर्स का बराबर मात्रा में या कुछ कम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो उनको आज हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें मेटल्स हैं और कौन कौन सी नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम ऑलरेडी हमारे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट वन में, ये हमारा पार्ट टू है। वैसे अगर कोई 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट अगर इससे पढ़ना चाहे तो वो वीडियोज़ के पार्ट टू को, पार्ट वन पार्ट टू इधर इस कॉर्नर में मैंशन कर देता हूँ मैं, वीडियोज़ में देख कर आसानी से अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ सकता है कंटिन्यूअसली। सारी वीडियो चैनल पर वन बाई वन मिल जाएंगे, सबके टाइटल में और अंदर थोड़ा सा जाकर वीडियो में जरा सा चलाकर उसको देख सकते हैं कि ये किस टॉपिक का कौन सा पार्ट है। इससे आपको पढ़ने में बड़ी आसानी रहेगी और मैं समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ भाई, आप लोगों के लेवल पर आपको समझाया जा सके या किसी इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर किया जा सके कि इस तरीके से कोई चीज़ होती है। और अगर आप लोगों को भी कोई स्पेशल फिनोमिना अकॉर्डिंग टू साइंस या आपकी नॉलेज से बाहर कोई दिखता है, कोई घटना दिखती है, कोई चीज़ आपको परेशान करे, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की, जहां तक संभव हो पाएगा मैं ज़रूर ज़रूर उस डाउट का सोल्यूशन करने की कोशिश 100% करूंगा, चाहे कैसे भी आपकी प्रॉब्लम हो साइंस से संबंधित या कोई भी एजुकेशन जो कंटेंट है उससे संबंधित, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए या उसको सॉल्व किया जाए। तो हम देख लेते हैं फाइनली कि अधातुओं के गुण कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम धातुओं के गुण ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब अधातुओं के गुण। यहाँ मेरे को ये जो बोर्ड पर लिखना पड़ता है इसको मैं इसलिए भी थोड़ा अच्छा लिखता हूँ कि आप लोग जो शॉर्ट यहाँ टर्म लिख दिए जाते हैं उनको एक तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर शॉर्ट टाइप में इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो आपके काम आ सकती है, ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा लॉन्ग कट नहीं लिखूंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आपकी समझ से भी बाहर हो जाएगी। शॉर्ट वीडियो रहेगी तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला गुण जो है अधातुओं का वो क्या है, एक तो इनमें नेचुरल चमक नहीं होती, प्राकृतिक चमक नहीं होती इनके अंदर, प्राकृतिक चमक नहीं होती है, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसको भी थोड़ा सा समझो, प्राकृतिक का क्या मीन्स है यहां पर, कि जब कोई नॉन मेटल बनता है, फॉर एग्जाम्पल हम प्लास्टिक को लेते हैं, वो नॉन मेटल होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार प्लास्टिक तो काफ़ी चमकदार होता है, काफ़ी शाइनी होता है, वो ऐसा नहीं है, उस पर अलग से पेंट किया होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि जो मोबाइल कवर्स होते हैं वो बहुत ही कलरफुल डिजाइन्स में होते हैं और इतना ज़्यादा शाइनी होते हैं कि इतना तो मेटल्स भी नहीं चमकती, इतनी तो मेटल्स में भी चमक नहीं होती, तो उनको ऊपर कोई एक स्पेशल पेंट कर दिया जाता है, कोई लेयर चढ़ा दी जाती है, वो भी किसी मेटल की या मेटेलिक कलर की लेयर होती है, उनका खुद का इतना अच्छा चमक नहीं होता है अंदर से डिफॉल्ट। जैसे एल्युमिनियम को आप कभी आपने देखा हो किसी वीडियोस के अंदर या फिर रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चमकता है, और कभी खुरचते हो घर में किसी प्लेट वगैरह को अंदर से वो चमकदार निकलती है। मेटल्स के सभी मेटल्स का लगभग ये गुण है कि आप उनको थोड़ा सा खुरच के देखोगे ना, अंदर से देखोगे जैसे ही खुरच के तो उसमें से चमक दिखाई देगी आपको। अब ऐसा काम आपको उजाले में करना है, अगर रात में खुरचोगे तो ना तो चमक दिखाई देगी ना मेटल दिखाई देगी, रात में कुछ चीज़ें दिखती नहीं है ठीक से, लाइट में आपको करना है उजाले में, तो जैसे आप उसको खुरच के देखोगे किसी भी मेटल की आउटर लेयर को खुरचोगे तो उसके अंदर से चमक आपको दिखाई देगी, और वो चमक नेचुरल चमक होती है। बट ये अधातुओं में ये नेचुरल चमक नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको कोई प्लास्टिक से दिखाता हूँ, इसमें कोई चमक नहीं है, पर इसी के कंपेरिजन में आपको एक मेटलिक पार्ट है मेरे पास, एक इंस्ट्रूमेंट है प्लास, उसके ऊपर आपको चमक दिख रही होगी, हालांकि ये तो लेयर है एक चमक की, लेकिन जो अगर आयरन को यहाँ से खुरचा जाए थोड़ा सा घिस दिया जाए ग्राइंडर वगैरह से तो भी इसके अंदर शाइन निकलेगी, चमक अवश्य निकलेगी। अब जो दूसरा गुण है उसको देखते हैं क्या होता है, एक तो ये ध्यान रखना कि धातुओं में चमक नहीं होती, ये हम इनके भौतिक गुण पढ़ रहे हैं,
मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको याद रहे। ये सब भौतिक गुण है, भौतिक अधातुओं के जो गुण है वो कैसे हैं, भौतिक गुण है, ठीक, ध्यान रखना। अब दूसरा क्या गुण होता है, एक जो हम ये गुण भी लिख सकते हैं कि भाई सुरीली आवाज पैदा नहीं करते, आवाज पैदा नहीं, इतने से समझ जाना है ना। सुरीली आवाज से क्या मतलब है, आप लोगों ने कभी ना कभी तो किसी मेटल को बजने की आवाज को अच्छी तरीके से महसूस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल जो वायलिन हमारा होता है, सितार या गिटार जो है, उसके अंदर जो वायर्स होती है उनको इस तरीके से उंगलियों से झंझनाया जाता है, उनको वाइब्रेट किया जाता है, तो बहुत अच्छी साउंड निकलती है, बहुत एकदम बहुत मस्त लगती है सुनने में। तो इस प्रकार की आवाज़ केवल और केवल मेटल से ही निकल सकती है, जो सुरीली आवाज़ है, नॉन मेटल से सुरीली आवाज़ नहीं निकलती। हाँ, एक और चीज़ अगर आपको एक डाउट भी आ सकता है इसमें, कि जो फ्लूट होती है बांसुरी वो नॉन मेटल होती है, बांस की बनाई जाती है, लकड़ी की होती है, फिर उसमें फूंक मारने से तो काफ़ी सुरीली आवाज़ निकलती है। और कृष्ण जी तो ऐसी बांसुरी बजाया करते थे कि क्या बताएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बन जाता सबका, वो काम करता, सब वहीं अट्रैक्ट हो जाते, लॉ ऑफ सेंट्रिज्म बन जाता, सब लोग जो ब्रज के लोग थे वो ग्वाले आसपास के सभी ग्वाले ग्वालिनें रात दिन कभी भी आकर पास में बैठ जाते, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी पास में आ जाते। तो ऐसा कैसे संभव है कि नॉन मेटल से सुरीली आवाज़ निकल रही है, लेकिन वहाँ नॉन मेटल से आवाज़ नहीं निकल रही है वो चीज़। मेरा मतलब ये है कि उनको पीटने पर जो आवाज़ होती है वो सुरीली नहीं होती। हाँ, उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए जाए नॉन मेटल के तो आवाज़ बहुत अच्छी निकल सकती है, लेकिन उनको पीटने पर, उन पर चोट करने पर, इस तरीके से अगर उनको हम किसी अलग ऑब्जेक्ट से, किसी मेटल या नॉन मेटल से पीटेंगे तो उनको सुरीली आवाज़ पैदा नहीं कर पाएंगे वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं नॉन मेटल। तो यही बात है कि ये नॉन मेटल मेरे हाथ में ये चौक का टुकड़ा भी है और ये बोर्ड भी नॉन मेटल ही है। अब इन दोनों को आपस में टकराता हूँ कि ठक ठक की आवाज़ आती है जिसमें कोई सुरताल नहीं है इस तरीके से। अब इसी चीज़ को मैं मेटल के साथ दोहराता हूँ तो भी यहाँ पर ठक ठक की आवाज़ आएगी। मेरे पास मेटल एक पार्ट है प्लस, इसको मैं इस नॉन मेटल पर देखता हूँ मार मार कर, ये सिर्फ ठक ठक की आवाज़ है। इससे पिछले वीडियो में मैंने मेटल एक पार्ट को भी आपस में टकरा कर आवाज़ पैदा की थी, वो साउंड भी रिकॉर्ड हुआ था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि मेटल से कैसे साउंड निकलती है। तो सुरीली आवाज़ पैदा नहीं करते हैं पीटने पर, यहाँ ब्रेक में लिख देता हूँ, चोट करने पर, हाँ ये सही रहेगा, चोट करने पर। इनके यंत्र बनाकर तो अधातुओं के अगर यंत्र बना दिए जाएं तो सुरीली आवाज पैदा हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट चोट की जाए तो सुरीली आवाज पैदा नहीं होती। दो गुण हो गए हमारे, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, इनके बेसिस पर आप देखकर बता सकते हो कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन मेटल है और कौन सा मेटल है। मेटल्स में ठीक इनके उल्टा होता है, जो ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है ये ठीक अपोजिट होती है मेटल्स के मेटल में। एक और चीज हम यहाँ देखते हैं नॉन मेटल्स में, वो क्या है, तार नहीं बनाए जा सकते, तार नहीं बनाए जा सकते, तार नहीं बनाने से क्या तात्पर्य है, वो ये है कि अगर कोई नॉन मेटल का टुकड़ा है, मान लीजिए इस चौक को ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास यही सबसे अच्छा नॉन मेटल है, अगर इसको खींचेंगे बहुत प्रेशर लगा के तो ये 100% टूटेगा ही टूटेगा, ये डेफिनेट सी बात है। अब इसको क्या मैं आपको तोड़ कर दिखाऊँ कि इसको खींचने पर यह टूट जाता है, ये देखो मैंने इसको खींचा और ये सीधा टूट गया, दो टुकड़ों में बट गया। अब वहीं पर कोई अगर मेटल का टुकड़ा है तो उसको काफ़ी ताकत से खींचने पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है लोहे की मेरे हाथ में, अगर मैं इसको खींचूंगा बहुत ताकत से, इसको खींचने के लिए भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती तो ये टूटेगा नहीं। वैसे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से मेरे हाथ से खींच भी नहीं पा रहा, लेकिन अगर किसी मशीन या प्लास या टूल्स की सहायता से मैं इसको खींचूंगा तो कुछ देर तक तो ये थोड़ा पतला होकर खींच जाएगा, उसके बाद टूटेगा। तो ये जो गुण है मेटल्स का कि वो खींच जाते हैं तार के रूप में, पतले हो जाते हैं, उसको तन्यता बोलते हैं, और ये अधातुओं में नहीं पाया जाता, ये तन्यता जो है अधातुओं के अंदर नहीं पाया जाता इसका गुण, इस पर मैंने स्टार से लगा दिया है, तन्यता नहीं पाई जाती। अब एक और गुण आ जाता है, आघात वर्धनीयता, ये जो टर्म है साइंस का ये थोड़ा सा
डिफिकल्ट है समझने के लिए, फिर भी आपने इसके एग्जांपल्स तो रियल लाइफ में अब तक कभी ना कभी देख ही लिए होंगे कि अगर कोई मेटल का पार्ट होता है, जैसे कोई मेटल का जॉब वगैरह होता है, एक तरीके से टुकड़ा मेटल का, उसको हथौड़े से पीटते हैं, हथौड़े से पीटने पर वो चपटा हो जाता है। लेकिन अगर कोई नॉन मेटल का पार्ट है, टुकड़ा है, उसको चाहे आप हथौड़े से पीटो या वैसे ही प्रेशर उस पर लगाओ, वो सीधा टूट जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये चौक का टुकड़ा मेरे पास है, दूसरा टुकड़ा लेकर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इस चीज़ को, कि चौक लेकर उस पर अगर बल लगाया जाए यानी कि दाब लगाया जाए तो वो सीधा टुकड़ों में टूट जाता है, वो कोई चादर वगैरह उसमें चादर वगैरह कोई नहीं बनता है। ये जैसे चौक है, इसको मैं इस तरीके से प्रेशर लगाता हूँ तो सीधा टूट गया है ना। लेकिन अगर वहीं इस मेटल पर मैं प्रेशर लगाऊंगा, हाथ से तो ये संभव नहीं होगा कि इस पर कुछ असर पड़ जाए, तो मेरे पास प्लास है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इस पर फोर्सली कि इसकी जो आगे से टिप है उसको थोड़ा सा दबाता हूँ, देखते हैं क्या होता है पूरे प्रेशर के साथ। और ये इसमें गुण होता है कि ये थोड़ा सा चपटा हो जाता है इस टाइप से कि बस यहाँ मैंने ये छोटा सा चपटा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं, उम्मीद करता हूँ आपको दिखा होगा। इसको दबाने पर ये टूटा नहीं, ये चपटा हो गया। अगर इसको और ज़्यादा मैं दबाता तो काफ़ी चौड़ा हो जाता, हाथ से भी इस पर अगर प्रेशर लगाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होगी जिससे ये चद्दर बन जाता है। तो इसी गुण को कहते हैं आघात वर्धनी का। अगर उसको किसी मेटल या नॉन मेटल को पीटते हैं, चोट मारते हैं उस पर, तो उसमें क्या चेंजेस जाते हैं, अगर वो मेटल होगा तो उसकी सीट बन जाएगी, नॉन मेटल होगा तो उसकी सीट नहीं बनेगी। यहाँ लिख भी सकते हैं हम इस चीज को कि सीट या चादर नहीं बनेगी, चादर नहीं बनता। और कब नहीं बनता? पीटने पर। इस बात को विशेष ध्यान रखना, पीटने पर या दाब लगाने पर। कुछ वीडियोस में जो लोग हाइड्रोलिक प्रेशर से अलग अलग चीजों को दबाते हैं, उस वीडियो के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि मेटेलिक पार्ट को अगर उसमें दबाते हैं तो काफी देर तक दबता है, फैल जाता है इस तरीके से, उसके बाद वो टूटता है। उसकी भी एक स्ट्रेंथ या रेंज होती है जिस तक वो चद्दर बनता है, उसके बाद टूट जाता है। अलग अलग जो मेटल्स हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, जैसे एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम और सिल्वर, ये सबसे ज़्यादा चद्दर बनने लायक है। सोना भी सबसे ज़्यादा तन्य होता है और सबसे अच्छी तरीके से उसको चद्दर बनाया जा सकता है। एक तरीके से जो सोना है उसकी सबसे पतली झिल्ली भी सोने की ही बनाई जाती है। आपने हो सकता है ये भी सुना होगा कि रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, उसमें स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया गया, क्योंकि सोने की जो पन्नी है वही सबसे पतली बनाई जा सकती है, इसके अलावा किसी और मेटल को सबसे पतला नहीं किया जा सकता। चद्दर तो बनाई जा सकती है पर उतनी पतली नहीं बनती। तो आघात वर्धनीयता का जो गुण है वो नॉन मेटल्स के अंदर नहीं पाया जाता। अब हम पांचवें नंबर का जो गुण है उसकी बात करते हैं, वो क्या है? देखो हमने चार गुण पढ़ लिए हैं, प्राकृतिक चमक नहीं होती, सुरीली आवाज पैदा नहीं करते चोट करने पर, और तार नहीं बनाए जा सकते यानी कि तन्यता नहीं पाई जाती, आघात वर्धनीयता का गुण भी नहीं पाया जाता, सीट या चादर नहीं बनते हैं। अब एक चौथा गुण है, ये सब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आपके लिए, क्षण भंगुरता पाई जाती है, क्षण भंगुरता पाई जाती है। इसका एग्जांपल अभी अभी मैंने आपको चौक को दबा कर दिया था कि अगर नॉन मेटल्स के ऊपर थोड़ा सा दाब लगाया जाए, थोड़ा सा प्रेशर लगाया जाए तो नॉन मेटल्स टूट जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस क्षण भंगुरता का मतलब भी यही होता है कि पल में टूट जाने वाला, जिस पर दाब लगाया जाए वो सेकंड में कैसे टूट जाए। एक दाब की हर पदार्थ के लिए अलग अलग रेंज होना आवश्यक है। अब ये तो नहीं है कि आप जो चौक के लिए दाब लगा रहे हैं वही स्टोन या कंकड़ के लिए भी वही दाब होगा, कंकड़ प्लास से टूट सकता है, हाथ से ऐसे दबाकर मैं कंकड़ को नहीं तोड़ सकता, ये संभव नहीं है। चौक को तो तोड़ सकता हूँ क्योंकि इसके लिए कम फोर्स की आवश्यकता है, तो अलग अलग फोर्स पर ये टूट जाते हैं प्रेशर लगाने पर, यानी पल में टूटने वाले, पल में तो टूटेंगे जब दाब लगाएंगे, बिना दाब के नहीं टूटते, ठीक, पल में टूटने वाले। और एक और जो है हमारा लास्ट, इसका कैरेक्टरिस्टिक है नॉन मेटल्स का, वो है ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, ऊष्मा हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये रेजिस्टेंस होते हैं, विद्युत के कुचालक है। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक हैं यानी कि नॉन कंडक्टर हैं,
उनसे गर्मी और बिजली उनके अंदर से नहीं चलती है। पर इसका एक एक्सपेंसिव है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, इसके बावजूद भी वो बिजली का चालन करता है, चालक होता है। ठीक, ग्रेफाइट चालक है। और एक चीज और बता दो आपको, आयोडीन, आयोडीन जो है आयोडीन लिक्विड एक तरीके से नॉन मेटल है, द्रव अधातु है। और लिक्विड मेटल जो है वो है पारा, आप याद कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। एच जो है वो लिक्विड मेटल द्रव धातु, ये भी इसके साथ के साथ याद कर लो। इनकी कठोरता भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, धातुओं के मुकाबले ये कम कठोर होते हैं, लेकिन जो हीरा है वो दुनिया का अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कुछ अपवाद भी मिलते हैं, वो क्या है ना, धातुओं से इनकी बेइज्जती हो रही थी अधातुओं की, तो हीरा और ग्रेफाइट जैसे कुछ सेंसा निकल के आया और उन्होंने बेइज्जती को बचा लिया कि भाई ऐसा नहीं होने देंगे, हम नॉन मेटल्स कैटेगरी की बदनामी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो ये निकल कर आए और अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाने लग गए, जो मेटल्स में होती उनकी तरह करने लगे, कुछ तो मेटल से भी ज्यादा निकल गए। हीरा तो जैसा सबसे कठोर पदार्थ होता है, और वैसे ये होता है कार्बन का।